नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि आज स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या अमृत के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को दी। इस संबंध में पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ये दोनों अभियान सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री शुक्रवार यानी कि आज सुबह 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इन दोनों ही अभियानों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पीएमओ ने कहा कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण अभियान देश में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का संकेत देते हैं। इसके साथ ही बयान में कहा गया कि अभियान साल 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेंगे और अपना अहम योगदान देंगे। दोनों अभियानों के उद्घाटन के अवसर पर आवासीय एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आवासीय एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे। साथ ही कहा गया है कि दोनों ही प्रमुख अभियानों ने हमारे नागरिकों को जल आपूर्ति और स्वच्छता की बुनियादी सेवाएं देने की देश की क्षमता में वृद्धि की है और ये आने वाले समय में और बेहतर होगी। ऐसे में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते सोमवार को वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 7वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की शुरुआत की थी। इसके तहत पहली बार जिलों में रैंकिंग की जाएगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि इस साल के सर्वेक्षण से छोटे शहरों के लिए आबादी की दो श्रेणियों से कम और इसकी शुरुआत करने से एक समान अवसर पैदा होगा। इसका दायरा भी 40% वार्ड से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एक हफ्ते के भीतर शिवराज सिंह चौहान की दूसरी दिल्ली यात्रा है। बता दें, दोनों नेताओं की मुलाकात तकरीबन एक घंटे तक चली और ऐसे में पीएम से मुलाकात के बाद चौहान ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार की ओर से लिए गए नीतिगत निर्णयों और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। साथ ही बता दें, पिछले सप्ताह भी शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरके सिंह से मुलाकात की थी। सीएम शिवराज ने बताया कि उन्होंने राज्य में कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराया और कहा कि महामारी फिलहाल नियंत्रण में है और टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी ऊर्जा प्रेरणा देने वाली है और उनके विचार नीति निर्माण में मदद करते हैं। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने उनसे ये भी पूछा कि क्या मध्य प्रदेश में चंदन की खेती हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ये बता दें, एक हफ्ते में ये दूसरी मुलाकात है और उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा है, जिसके बाद इन दोनों ही के बीच काफी कई चीजों को लेकर बातचीत हुई। और साथ ही आपको बता दें, इससे पहले भी वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में कोविड में वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश में क्या चल रही है उसको लेकर भी इन दोनों के बीच ही बातचीत हुई है। वहीं पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू से आखिरकार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक करीब दो घंटे लंबी चली और इसके बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह गोरा ने पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक हो जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि आपको पता चलेगा, दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कांग्रेस की तरफ से और सारे मंत्री इकट्ठा होकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब के डीजीपी और एजी को बदलने का रास्ता तय हो चुका है। 3 सदस्यीय कमेटी बड़े मसलों को लेकर हफ्ते में 2 बार मिलेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी प्रधान सिद्धू और हरीश चौधरी इस कमेटी में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर किया जा सकता है। दरअसल चन्नी सरकार में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को पंजाब पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। सहोता को प्रभार दिए जाने से नाराज सिद्धू ने कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सहोता
फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअब्दी की घटनाओं की जांच के लिए भी तत्कालीन अकाली दल सरकार द्वारा 2015 में गठित एक विशेष जांच दल के प्रमुख थे। ऐसे में सिद्धू ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि बादल सरकार के कार्यकाल के दौरान सहोता बेअब्दी मामले की जांच करने वाली एसआईटी के प्रमुख थे और उन्होंने गलत तरीके से दो सिख युवकों को फंसा दिया और बादल परिवार के लोगों को क्लीन चिट दे दी। सिद्धू ने यह भी कहा कि साल 2018 में वो राज्य के वर्तमान गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और तत्कालीन पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ पीड़ितों के परिवार से मिले थे और उन्होंने न्याय के लिए भी लड़ाई में सहयोग का भरोसा दिया था। हालांकि अब आज कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्या सिद्धू की बातचीत मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें साफ हो जाएंगी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की जन सेवा संकल्प यात्रा कानपुर देहात पहुंची और वहां पहुंचकर धराशायी हो गई। बता दें लखनऊ से कानपुर नगर और कानपुर देहात होते हुए झांसी तक ये जन सेवा यात्रा पहुंचनी थी, लेकिन कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र में पहुंचे रघुराज प्रताप सिंह के कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जन सेवा संकल्प यात्रा में मची भगदड़ देख मंच छोड़कर रघुराज प्रताप सिंह भी वहां से चले गए। बता दें रघुराज प्रताप सिंह के कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ और भगदड़ मचने से कानपुर देहात का कार्यक्रम अधूरा ही रहा। ऐसे में कार्यक्रम स्थल में संबोधन के कुछ ही मिनट बाद कार्यकर्ताओं का हंगामा देखा गया और ऐसे में भैया जी मंच छोड़कर झांसी के लिए वहां से रवाना हो गए। बता दें कार्यक्रम स्थल पर अव्यवस्था देख रघुराज प्रताप सिंह बिना मीडिया से मुखातिब हुए ही कार्यक्रम छोड़कर वहां से चले गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आगरा किला पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात की। साथ ही एएसआई के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों से भी सुझाव उन्होंने लिए। बता दें आपको रात्रिकालीन पर्यटक विकसित करने पर जोर केंद्रित भी किया उन्होंने और साथ ही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए और बेहतर किया जाए। साथ ही केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री ने ये तमाम बातें कही कि आगरा में पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। देखिए मैं कल आया था आगरा, तब से मैं आगरा में हमारे जो स्मारक हैं उनके माध्यम से हम पर्यटन व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं, पर्यटकों को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, किस किस तरह का इंटरवेंशन चाहिए, तो मैं एएसआई की टीम के साथ भी बैठा। कल जो होटल व्यवसाय थे जिनको कोविड काल के बाद थोड़ा कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, उनसे भी मैंने सुझाव लिए। कुछ और भी स्टेक होल्डर सुबह सर्किट हाउस में मेरे से मिलने आए, तो इन सबका सार यही है कि जो भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो स्मारक हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ाएं। और दूसरा रात्रिकालीन हम पर्यटक विकसित कर सकते हैं क्या आगरा में? कई ऐसे स्थान हैं जो 6 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, कुछ ऐसे पर्यटक होते हैं जो सनसेट देखना चाहते हैं, कुछ ऐसे पर्यटक होते हैं जो लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से उस स्थान की विशेषता को जानना चाहते हैं। जैसे ये रेड फोर्ट पे हम खड़े हैं, ये कब बना, किसने बनाया, इसकी क्या विशेषता है, इसका पत्थर कहाँ से आया, चित्रकारी कैसे हुई, मीनाकारी कैसे हुई, कसीदाकारी, ये सब चीज़ें लोग जानना चाहते हैं, तो इसको हम डॉक्यूमेंट करके लोगों को दिखाएँ, ये भी एक हमारा विषय है। विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमारे इन स्मारक स्थानों पर हम ज़्यादा बढ़ाएं और एक रात्रिकालीन हमारा जो टूरिज्म है उसको, मुझे लगता है समय की मांग है, इसको बढ़ाना चाहिए, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो जिस तरह से विंडो बंद है, लोग परेशान रहते हैं, टिकट विंडो पे मैंने खुद नहीं अभी जानकारी हासिल की, बहुत से पर्यटक आए हुए थे उनको थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ रही थी नेटवर्किंग के कारण, जो हम दूर करेंगे हमारे सिस्टम से, निश्चित रूप से आज मैंने खुद नहीं महसूस किया, ऐसी दिक्कतें हम आगे पर्यटकों को नहीं आने देंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प के लिए विशेष प्रकार के धन आवंटित भी किए जाते हैं, जिससे विद्यालय का रंग रोगन और टाइलीकरण सुंदरीकरण आदि का उचित काम कराया जा सके। वहीं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन जनपद के कुछ विद्यालयों की हकीकत कुछ और ही है। दरअसल पूरा मामला मेठी जनपद के भेटुआ ब्लॉक के खाटमपुर प्राथमिक विद्यालय का है, जहां दो सप्ताह पहले बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। वहीं इस पर प्राथमिक विद्यालय में तब से लेकर आज तक स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। पूरा विद्यालय मुख्य मार्ग से लेकर तालाब में तब्दील हो चुका है। बच्चों और अध्यापकों के लिए आने जाने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा। पूरे विद्यालय में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने वहां पर जाकर जमीनी हकीकत की जानकारी ली तो देखा कि पूरा विद्यालय ही पानी हो चुका था। और जब विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा से बातचीत करनी चाहिए तो छात्रा ने बताया कि लगभग एक सप्ताह पहले से ही विद्यालय बंद है और हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं जब ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जल भराव लगभग 15 दिन से ऐसे ही बना हुआ है। यहाँ बगल से गाँव में जाने का मुख्य मार्ग है, वहां भी पानी ही भरा हुआ है। ऐसे में विद्यालय में पानी भरने की वजह से विद्यालय को बंद कर दिया गया है। कोई अध्यापक यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ तक कि अभी तक कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि भी इसकी खबर लेने वहां नहीं पहुंचा है। तो मैं भेटुआ ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी से भी वार्ता हुई है और जिसके क्रम में पता चला है कि एक हमारा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय घाटमपुर जिसके बगल में तालाब है, तो तालाब के भर जाने के कारण विद्यालय में पानी आ गया है और धीरे धीरे सूख रहा है, एक दो दिन में सूख जाएगा। और बच्चों की इसके पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है। बच्चों को हम लोग बगल के एक बिल्डिंग में इकट्ठा करके और मोहल्ला क्लासेस भी चला रहे हैं और सारे टीचर वहाँ उपस्थित होकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में जल निकासी के संबंध में ग्राम प्रधान से भी वार्ता हुई है, जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं अब खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जोन में विद्युत व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ 4400 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया को विद्युत उपभोक्ताओं को वसूलने के लिए अब मध्यांचल विद्युत विभाग के एमजी सूर्यपाल गंगवार ने गोंडा का दौरा किया और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बिजली उपभोक्ताओं के बिल वसूलने के लिए 15 दिन का मास्टर प्लान भी तैयार किया। बता दें गोंडा में 11 लाख विद्युत उपभोक्ता में से करीब 4 लाख विद्युत उपभोक्ता डिफॉल्टर है और केवल 5% ही विद्युत उपभोक्ता बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश में गोंडा जोन विद्युत बिल जमा करने में सबसे पीछे है। ऐसे में एमडी सूर्यपाल गंगवार ने रेवेन्यू जमा करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करते हुए हर ग्राम पंचायत में विद्युत विभाग के अधिकारी जाएंगे और विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए रेवेन्यू की वसूली भी की जाएगी और एक बिल का भुगतान न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो साथ ही आपको बता दें कि 11 लाख में से 63,000 विद्युत उपभोक्ता ऐसे हैं कि डिफॉल्टर में इनका नाम है और इसका मतलब है कि लगभग 6.5 लाख कंज्यूमर अपना रेगुलरली भुगतान नहीं कर रहे हैं। वहीं कानपुर देहात में स्वास्थ्य समाज ही देश एवं समाज की प्रगति का दायित्व है और इसी के मद्देनजर जनपद में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के समापन के अवसर पर इको पार्क में गणमान्य अतिथियों और उपस्थित और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की मौजूदगी में पोषण को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य अतिथियों के ने दीप प्रज्वलित कर किया और साथ ही आपको बता दें कि माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इस क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और नुक्कड़ नाटक टीम द्वारा पोषण को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम भी किया गया और उसके बाद जन मान्य अतिथियों ने पोषण के संबंध में अपने अपने विचार भी सबके सामने रखे। ऐसे में सर्वप्रथम जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि समाज और देश की उन्नति तभी हो सकती है जब माँ और उनका बच्चा कुपोषण से मुक्त रहे। इसके लिए जरूरी है कि हर माँ को पोषण के संबंध में संपूर्ण जानकारी हो, जिससे वो अपने स्वास्थ्य और बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके।
सके। पश्चिमी देशों में इस संबंध में जो जागरूकता है उसी का नतीजा है कि वहां पर कुपोषित बच्चे ना के बराबर हैं, साथ ही वो स्वस्थ भी रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि इस तरह के अभियानों के द्वारा हम अपने देश के माताओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए इस तरह के जन जागरूकता अभियान को आयोजित करें, साथ ही अपनी सहभागिता भी इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सुनिश्चित करें। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य विकास अधिकारी सौम्य पांडे ने कहा कि हमें हर गांव और कस्बे को इस बात के लिए संकल्प करना होगा कि पोषण से युक्त पौधों को प्राथमिकता देते हुए इस महत्व और जानकारी को महिलाओं के बीच प्रदान करें। यहां मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां नारी स्वावलंबन का प्रतीक है, उन्हें पोषण युक्त आहार को प्राथमिकता देते हुए इसी तरह अपने कामों में निष्ठा के साथ लगना है। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आज आपको स्मार्टफोन दिया जा रहा है और इस फोन से आप अपने स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इस स्मार्टफोन के माध्यम से आप पोषण ऐप को डाउनलोड करके लाभार्थियों की सूची को आसानी से अंकित कर सकती हैं, साथ ही अपने काम की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं। पोषण वाटिका की स्थापना जनपद के कई स्थानों पर की जा रही है और इसका उद्देश्य ही है कि एक ही स्थान पर पोषण युक्त जिया ही प्राप्त हो सके। इस मौके पर महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर ने कहा कि हम अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करें और आप अपने उद्देश्य में सदैव आगे बढ़ें। शासन की मंशा है कि महिलाएं सशक्त बने, स्वावलंबी बने। और इस मौके पर अकबरपुर रनिया विधायक प्रतिभा शुक्ला ने भी कहा कि पोषण पर अपना पक्ष रखा। इस मौके पर विकास अधिकारी ने कहा कि सौम्य पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी, तमाम कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, जिसके बाद ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं को स्मार्टफोन भी बांटे गए और ऐसे में उनको तमाम जानकारियां दी गई। वहीं अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। रोजाना कमाई के मामले में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है और इसके अनुसार पिछले एक साल में मुकेश अंबानी की रोजाना कमाई 163 करोड़ रुपए थी, जबकि इस दौरान गौतम अडानी ने रोजाना 1002 करोड़ रुपए कमाए। और ऐसे में गौतम अडानी की संपत्ति पिछले एक साल में 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 3,65,700 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। हालांकि मुकेश अंबानी अभी भी नंबर वन पर है। भारत की सबसे अमीर फैमिली में मुकेश अंबानी का परिवार ही है। रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी 7,18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ लगातार 10वें साल सबसे शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। उनकी संपत्ति में 2020 में से 9% बढ़ी है और अडानी परिवार की संपत्ति 1,40,200 करोड़ रुपए से 261% बढ़कर 5,05,900 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसी के साथ गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। पिछले साल की तुलना में उनकी संपत्ति 3,65,700 करोड़ रुपए बढ़ी है। IIFL वेल्थ हुरून की लिस्ट में तीसरे स्थान पर शिव नाटर और HCL परिवार है। उनकी संपत्ति 67% बढ़कर 2,36,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। वहीं दूसरे स्थान पर SP हिंदुजा परिवार है, जिनकी संपत्ति एक साल के दौरान 53% बढ़कर 2,20,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके बाद LN मित्तल और आरसेलर मित्तल के परिवार की संपत्ति 187% बढ़कर 1,74,400 करोड़ रुपए हो चुकी है। वहीं साइरस पुनेवाला और परिवार की 1,63,700 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ वो छठे स्थान पर है। उनकी संपत्ति में इस दौरान 74% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए पहली कट ऑफ शुक्रवार को जारी होगी, यानी कि आज। और इसीलिए प्रत्येक कॉलेज ने अपनी कट ऑफ में विषय अनुसार 2 से 5% की बढ़ोतरी की है। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने अपने स्तर पर अपनी पहली कट ऑफ बृहस्पतिवार को ही जारी कर दी। कॉलेज ने सर्वाधिक साइकोलॉजी ऑनर्स की कट ऑफ 98.5% निकाली है, जबकि BCom ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ 98% रही। ऐसे में आर्यभट्ट कॉलेज की कट ऑफ ने अन्य कॉलेज की कट ऑफ का भी ट्रेलर दिखा दिया है। कॉलेज ने औसतन अपनी कट ऑफ
0.5 से लेकर 6% तक की बढ़ोतरी इसमें की है। बता दें कॉलेज में साइकोलॉजी ऑनर्स में बीते साल कट ऑफ 97% जो थी उसको इस साल 98.5 कर दिया गया है। वहीं बीएससी मैथमेटिक्स की इस साल की कट ऑफ 97% है, जबकि बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 97% है। ऐसे में अंग्रेजी ऑनर्स की कट ऑफ 96%, जबकि हिस्ट्री ऑनर्स की 95% और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की 96% और बीकॉम की 97% रही है। वहीं कॉलेज में हिंदी ऑनर्स की कट ऑफ बीते साल 80% रही थी, जो इस साल बढ़कर 86% हो चुकी है। इस कट ऑफ के आधार पर माना जा रहा है कि हर कॉलेज में कट ऑफ में बढ़ोतरी होनी है, और इसका बड़ा वजह कारण ये है कि सीबीएसई समेत अन्य बोर्डों में 90 से 100% अंक लाने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही दूसरे कॉलेजों ने भी अपनी कट ऑफ तैयार कर ली है, लेकिन ड्यू प्रशासन ने अपने स्तर पर जारी नहीं करने के लिए कहा है। प्रशासन ने कॉलेजों को कट ऑफ तय कर प्रशासन को भेजने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था, और कुछ कॉलेजों ने अपनी कट ऑफ कल ही भेज दी थी, जबकि कुछ कॉलेज जो हैं उनको अपनी कट ऑफ अभी भी भेजनी बाकी है। ऐसे में ड्यू प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी कॉलेजों की पहली कट ऑफ 1 अक्टूबर यानी कि आज जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद 4 अक्टूबर से एडमिशन बच्चों के होने शुरू हो जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के लिए भी आज से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। जी हां, हेली सेवा संचालित करने के लिए डीजीसीए की अनुमति भी मिल चुकी है, और ऐसे में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। युकादा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि केदारनाथ के लिए गुप्त काशी पटा और सिरसी हेलीपैड से 1 अक्टूबर से हेली सेवा का संचालन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए तीनों ही हेलीपैड पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हेली सेवा से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। बता दें हेलीपैडों का निरीक्षण करने के बाद डीजीसीए एक ने भी हेली सेवा संचालित करने की अनुमति दी थी। हेली सेवा के लिए टिकटों की बुकिंग heliservice.uk.gov.in वेबसाइट पर की जा रही है। वहीं देवस्थानम प्रबंध बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन ने बताया कि हेली सेवा से केदारनाथ के दर्शन करने वाले यात्रियों को भी पंजीकरण कर ई पास जारी किए जाएंगे। साथ ही जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी यात्री के न पहुंचने पर अन्य पंजीकृत यात्रियों को पास जारी किए जाए। साथ ही अब आपको ये भी बता देते हैं कि वहां का किराया किस तौर पर है, किस हेलीपैड से किस हेलीपैड तक का क्या किराया है। अगर आप गुप्त काशी से केदारनाथ जाएंगे तो 7,750 आपको किराया देना होगा, और ये दोनों तरफ का है, आने और जाने का। वहीं अब आप अगर पाटा से केदारनाथ जाएंगे तो वहां का किराया थोड़ा कम है, 4,700-200 रुपए ही आने और जाने दोनों तरफ से आपके लगेंगे। जबकि सिरसी से केदारनाथ अगर जाएंगे तो और कम आपका किराया लगेगा, 4,680 रुपए आपके आने जाने दोनों तरफ का किराया है। तो आज से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू हो चुकी है। वहीं हल्द्वानी में गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस एक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस इस कार्यक्रम को कांग्रेस चली गांव की ओर नाम दिया है। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू होगा, जो कि 3 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत कांग्रेस के 14 वरिष्ठ नेता उत्तराखंड की 670 न्याय पंचायतों में रात्रि प्रवास कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ग्रामीणों से रूबरू होंगे। कांग्रेस चली गांव की ओर कार्यक्रम में ये सभी नेता 3 दिन गांव में ही प्रवास करेंगे, और इन नेताओं में कुमाऊं मंडल में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, गोविंद सिंह कुंजवाल, और गढ़वाल मंडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और किशोर उपाध्याय शामिल हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने किट भी लॉन्च की, जिसमें झंडे, बैच और शॉल भी शामिल है। न्याय पंचायत में जाने वाले कांग्रेस नेता उन ग्रामीणों के घर में झंडा लगाएंगे और उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित करेंगे, जहां वो रात्रि प्रवास करेंगे।
हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेता 670 गांव में न्याय पंचायतों में इस ये दो दिन वो लोग प्रवास करेंगे और गांधी जी के जयंती के अवसर पर जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम दिया है वहीं पे रहेंगे, लोगों के साथ मिलजुलेंगे और वहां पर जैसे कि मैंने कहा है कि उस एरिया के जो समस्याएं हैं लोगों से जुड़ने का काम करेंगे और वहाँ पर किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं और किस तरीके का करप्शंस जो है या फिर भ्रष्टाचार हो रही है और फिर किस तरीके से गवर्नमेंट ने लोगों को गुमराह कर रखा है इन एरियाज़ में, वो देखने की कोशिश करेंगे। पर हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम किस तरीके से ग्रामीण स्तर पर लोगों के साथ मिल सके, उनसे मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके और सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी का जो विचारधारा है वो हम ग्रामीण स्तर तक कैसे किस तरीके। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।